हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ कैंपस टूर, और काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और मेरे साथ है दुबे जी, यशांग दुबे, और आपने इसको पहले मेरी एक वीडियो में भी देखा होगा, होपफुली आपने इसका इंटरव्यू देखा होगा। अगर कोई AI या आर्टिफिशियल या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आ रहा है वो इसको कनेक्ट कर सकता है। इनकेस यू हैव एनी क्वेरीज, मैं इसका इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप रीच कर सकते हो उसको। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस समय अपने लेक व्यू के साइड है, ये पीछे का है हमारी यूनिवर्सिटी, और इस समय ये इधर आप देख पा रहे हो लॉ स्कूल है, तो यहाँ पे लॉ का पूरा पढ़ाई की जाती है। और इसी के जस्ट हम अपना यूनिवर्सिटी की तरफ इस तरफ जाते हैं, तो एक छोटी सी लेक इस तरफ है और बाकी एक लेक यहाँ पे है। मैं इधर देखा हूँ, बस यहाँ ग्रीनरी रहती है, हम लोग यहाँ मोस्टली टाइम इंजॉय करते हैं, और इस रास्ते से हम लोग उस तरफ चलते हैं। लेट्स गो। इधर आप देख पा रहे हो राजेश, ये हम लोग का स्टूडेंट सेंटर है, और यहाँ पे हम लोग मस्त पढ़ाई करते हैं। और दो एक्चुअली बनाया है इन्होंने, और इसमें क्या है, मैंने ये देखा है कि कुछ लोग साइलेंट में पढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग दोस्तों के साथ पढ़ना चाहते हैं। तो मैक्सिमम मैं तो साइलेंट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे चाहिए लोग कि मैं आप थोड़ी थोड़ी देर पर बात कर सकूँ या कुछ खा पी सकूँ। तो ये स्टूडेंट सेंटर है, यहाँ पे 24/7 आप कभी भी आ सकते हो, रात को 3 बजे, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था। और हम लोग इधर पढ़ाई करते हैं। राजेश, हम लोग जब भी यूके में आता है तो सबसे पहले वो अपने घर जाता है, और घर जाने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले यूनी में आना है तो रिसेप्शन पे आना है। इसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट फ्लोर पे ही रिसेप्शन है, लोग आते हैं वहीं पे, उनको BRP कलेक्शन, वहीं पे उनको स्टूडेंट ID कार्ड, और उनके डिपार्टमेंट के बारे में, जो उनके पर्सनल ट्यूटर कौन रहेंगे या उनका डिपार्टमेंट कहाँ है जहाँ उनको बात करनी है, वो यहाँ पे होता है। इसी फ्लोर पे बाकी मीटिंग्स रूम्स भी हैं, और हमारे पढ़ने के लिए भी जगह है, तो वहाँ भी रुका जा सकता है। तो अभी आपने लाइब्रेरी देखा, यहाँ पे आप जाओगे लेकिन मोबाइल साइलेंट होना चाहिए, आप वहाँ पे बात नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, 4-5 फ्लोर्स हैं, आप अलग अलग वहाँ पे पढ़ सकते हो। इस लाइब्रेरी में हम लोग चलते हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छी लिफ्ट दिखाता हूँ, कम विथ मी। से इसको हम लोग पेटनास्ट्रो लिफ्ट पे बोलते हैं, और इसमें रुका नहीं जा सकता, इसमें चलने का है। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी होती है, और हम लोग लाइब्रेरी में हैं तो ज़्यादा तेज से बोल नहीं सकते, यहाँ पे इतना ही साउंड हो सकता है। लेट्स गो। तो हम लोग कोई भी अगर ऊपर से बुक्स लेके आते हैं तो हमें क्या करना है, बुक्स लेके आना है, और यहाँ पे बस वो बुक्स रखनी है, और ऑटोमेटिक ID कार्ड कलेक्ट करना है, उस पर पंच करना है, और ऑटोमेटिक ये कार्ड रिडेशन हो जाएगा और बुक आपके नाम पे अलॉट हो जाएगी। यू डोंट हैव टू आस्क टू एनीबॉडी। मतलब हेल्प डेस्क से यहाँ से आप इश्यूज या कोई भी है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज ग्रेजुएशन डे वीक चल रहा है, इस समय वेंसडे है, और सब लोग अपने अपने ड्रेसेस में आए हुए हैं, डिग्री कलेक्ट कर रहे हैं, अपने प्रोफेसर से मिल रहे हैं, बाय कर रहे हैं। पीछे भी आप देख रहे होंगे लोग बैठे हुए हैं अपनी डिग्रीज को कलेक्ट करने आए हुए हैं। तो और जो ये मेरे पीछे देख रहे हो आप लेक्चर हॉल, इसमें आपके काफ़ी सारे लेक्चर्स होते हैं, जैसे कि एकेडमिक रिलेटेड या पोस्ट ग्रेड अंडरग्रेड सारों के होते हैं। और ये लेक्चर हॉल आपका, मतलब आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा लेक्चर कहाँ पे है, तो IC हॉल करके आपके टाइम टेबल में होगा, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा लेक्चर किस बिल्डिंग में है।
सो ये है स्क्वेयर 4, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी शॉप्स अवेलेबल है। मेरे पीछे यह बफेलो जोस है, जो कि ये है बफेलो जोस। यहाँ पे वेजिटेरियन अगर आपको मील डेल या मील खाना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और एक मेरे पीछे वो एक्स्ट्रा स्टोर करके है वो वाला, तो लाइक ग्रोसरी या आपको फूड आइटम कुछ भी कलेक्ट करना है तो वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। तो ये जो है स्क्वेयर 4 पे दी स्टोर है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट जैसे कि मील या आपको कुछ भी बाय करना है, चिप्स या क्या बोलते हैं स्नैक्स वगैरह, तो यह मेरे पीछे स्क्वेयर 4 है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। प्लस में ये इको स्टोर भी है, यहाँ पे पोस्ट वगैरह भी आपको कर सकते हो, जैसे कि आपको कुछ पोस्ट करना है या कुछ भी, और वो तो मैंने आपको बता दिया स्क्वेयर 3 पे, ठीक है, सॉरी स्क्वेयर 4 पे। ये हमारी कैंटीन है, यहाँ से भी फूड आपको मिल जाता है, बट आई एम अ वेजिटेरियन सो आई जनरली डोंट प्रिफर दिस, मेरे लिए वही बफेलो जोस ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम लोग स्क्वायर 3 पे हैं, ये बैठने के लिए जगह है, यहीं पे सब लोग रहते हैं। आप जब भी आओगे यहाँ पे तो आपको तुरंत रिसेप्शन थोड़ा आखिरी में तो है इस यूनिवर्सिटी में, तो क्या है SU रिसेप्शन, यहाँ पे सब लोग आते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं कि किसी को घर ढूंढने में दिक्कत हो रही हो या किसी को फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो तो वो यहाँ पे भी आ सकता है। दे आर वेरी इंकरेजिंग, पेशेंट, बात भी सुनते हैं, बहुत अच्छे हैं। एंड यहीं पे इनका खाने का भी है, तो कभी किचन में हम लोग को भी मन करता है कॉफ़ी या स्नैक्स वगैरह लेने का, मोस्टली वी विल शुड टेक हॉट चॉकलेट, तो वो भी हम लोग ले लेते हैं उधर पे। और इधर जस्ट अगर पीछे देखो तो SU होम्स का है, अभी हम लोग रिसेंटली यहाँ मूव इन भी होने वाले हैं। और ये SU होम्स है, तो अगर यहाँ पे कोई आ रहा है जिसको अगर घर वर लेना हो तो वो यहाँ पे आके अपनी बात कर सकता है, और इनका ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो इनको मेल या वेबसाइट के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी रिलेटेड अगर आप फंस जाते हैं या कोई आप कॉपी करके कोई असाइनमेंट कर देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, तो SU एडवाइस ऐसे लीगल तरीके बताते हैं जिन पर आप यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं और अपने रीअसाइनमेंट को फिर से क्लेम कर सकते हैं। लेक्चर थिएटर बिल्डिंग है और यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, अगर कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जब भी आता है तो उनके क्लासेस मैक्सिमम यहीं पे ही होती है, लेक्चर थिएटर बिल्डिंग। आज यहाँ पे ग्रेजुएशन वीक चल रहा है तो इनके कुछ सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है अंदर। ये स्टूडेंट यूनियन का सब जीरो फ्रेशर वीक या कुछ भी पार्टीज वगैरह होती है ना जितनी भी, तो वहाँ ये यहाँ पे सेलिब्रेट होती है। और जैसे कि क्लब वगैरह आपको करना है तो यूनिवर्सिटी में वो वाली फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, बट ये आपको स्टूडेंट यूनियन की वेबसाइट पे जाके पता लगेगा कि कौन कौन से इवेंट्स अभी रिसेंटली हो रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी बुकिंग कर सकते हो, टिकट्स वगैरह बाय कर सकते हो। कुछ इवेंट्स फ्री होते हैं, कुछ इवेंट्स पेड होते हैं, तो वो आपको स्टूडेंट यूनियन की वेबसाइट पर जाके चेक करना पड़ेगा। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, सॉरी कंप्यूटर साइंस का उस साइड है, अभी मैं बाद में दिखाऊंगा। तो ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, जो भी अप्लाइड डेटा साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह का कोर्स करने आता है जैसे कि AI वगैरह का, तो इनकेस आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह है या डाउट्स वगैरह है तो आप यहाँ पे आके फेस टू फेस विजिट कर सकते हो, बट आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेना पड़ता है प्रोफेसर से, क्योंकि अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो स्टडी अब्रॉड के लिए है, अगर आपको कोई भी कंसर्न है लाइक यहाँ से आप बाहर कहीं जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए या किसी भी रीज़न से, तो आप इनसे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो फेस टू फेस। जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ब्रिलियंट, ये हमारे इनोवेशन सेंटर है, यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स को बना के उनको एक प्रॉपर साइंटिफिक पेपर के साथ रखा जाता है और उनको कलेक्ट किया जाता है जो कि पब्लिश भी होती है। सो ये स्टेम सेंटर है, स्टेम सेंटर इंजीनियरिंग की भाषा में साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को बताया जाता है, और इसमें रिसर्च के, रोबोटिक्स के और सारे लोग के लेबोरेटरीज और उनके ट्रायल्स सब अंदर की तरफ होते हैं।
स्टेम सेंटर का एंट्री है वो यहाँ से है, वैसे वहाँ से भी कर सकते हो। सारी जो कंप्यूटर या मैथमेटिक्स की जितनी भी लैब्स वगैरह होती है वो यहाँ पे होती है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे। और मेरे पीछे वो जो आप देख रहे हो साइकोलॉजी का साफ साफ लिखा हुआ है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, बाकी यहाँ पे अंदर एक कैफे भी है, वो आप अगर ईटिंग वगैरह के लिए आते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। हमारे एशियन कंट्रीज़ में मिथ है और लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, यहाँ भी लोगों का बिलीफ है। जिनकी जॉब लग जाती है और जो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो अपने लॉक्स लेके आते हैं और इस पर लॉक लगा के जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेडिशन मैंने यहाँ भी देखा। आउट टावर है, ये स्टूडेंट एकोमेंडेशन है और एक एकोमेंडेशन वो है जिसे ब्रेटर डेजर्ट टावर कहते हैं। सो ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे एसएक्स स्पोर्ट्स है, इसमें जिम फैसिलिटी वहाँ पे भी है। तो ये सारा जो एरिया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड या जिम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होती है। और हाँ, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद जो भी इनके प्लान्स वगैरह है या मेम्बरशिप है वो आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे, या तो फेस टू फेस आके अवेल कर सकते हो, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट हाँ ऑनलाइन तो कन्फर्म है कि आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो इनकी मेम्बरशिप वगैरह। ये जो मैंने बताया था लेक्चर थिएटर बिल्डिंग है वो ये वाली है, अभी ग्रेजुएशन वीक चल रहा है, अंदर क्या बोलते हैं उसको कॉन्वोकेशन डिग्री सारी लोगों को मिल रही है। और यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, लाइब्रेरी मेरी ये है और स्टूडेंट सेंटर वो है रिसेप्शन वगैरह जहाँ पे तुम सारी इंक्वायरी वगैरह कर सकते हो। और ये दुबे जी फिर से आ गए कैमरे में, सॉरी। और ये देखो कितना अच्छा पेड़ है, पता नहीं कटवुट गया है क्या है, बट यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, पूरी मेरे को यूनिवर्सिटी पूरी दिख रही है। और वो कोई साइकोलॉजी या नहीं कोई सा डिपार्टमेंट है मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, नीचे पार्किंग वगैरह अवेलेबल है अगर आपको करनी है। अकोमोडेशन है आई थिंक साउथ टावर्स, मुझे खुद नहीं पता। ये किनेस बिल्डिंग है, ये टीचिंग सेंटर है नॉर्थ टीचिंग सेंटर, और ये कॉजवे टीचिंग सेंटर, ये कौन सा है टाउनी टावर। यह है विलियम मॉरिस टावर, और बाप रे कैमरे में तो आ भी नहीं रहा। What? सामने पार्किंग एरिया सारा का सारा। तो ये सारा जो अकोमोडेशन है ये नॉर्थ टावर का है, बाप रे कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो जो स्टूडेंट अकोमोडेशन में ऑन कैंपस रहना चाहता है वो बुक कर सकते हैं। पीछे समय डे नर्सरी है, यूनिवर्सिटी का ही डे नर्सरी है, बहुत सारे यहाँ पे मैरिड कपल्स आते हैं, अपने डिपेंडेंट के साथ आते हैं, इवन उनकी वाइफ भी काम करती रहती है, तो अपने बच्चे को कहाँ रखी, तो अपने आप 3 महीने से 3 साल तक के बच्चे को आप यहाँ पे रख सकते हो, 5 साल तक के बच्चे को रख सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये देख सकते हो सामने एसएक्स बिजनेस स्कूल वोरा मेरे सामने, ठीक है अभी मैं दिखाता हूँ। और डे नर्सरी जो कि ये वाली बताई यश ने, और बस स्टेशन आगे है, यूनिवर्सिटी क्वेज भी आगे है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेज भी एक अकोमोडेशन ही है। तो ये जो है बिजनेस स्कूल है मेरे सामने, पूरे बिजनेस स्टडीज़ वगैरह यहाँ पे होती है, क्लासेस और जितनी भी लैब वगैरह जो भी होगा वो यहाँ पे होगा। इसकी 2 साइड से एंट्री है, एक ये हो गई एंट्री और एक सामने से भी एंट्री है, वो भी दिखा देता हूँ। तो एक एंट्री यहाँ पे है, आप देख सकते हो एसएक्स बिजनेस स्कूल लिखा है, ये पूरी बिल्डिंग जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज वालों के लिए है, तो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बना रखी है इन्होंने, अंदर से भी जाके मैंने देखा, एक वीडियो में दिखाया भी था, काफ़ी अच्छा है। और ये सामने देख रहे हो मेरे सामने, दैट्स अ बस स्टेशन, आई मीन बस स्टॉप, और यहाँ पे बाइक वगैरह पार्किंग के लिए भी स्पेस है, काफ़ी जगह जगह पे बना रखे हैं स्पेस। अगर आप यूनिवर्सिटी में आओगे तो जैसे ही कॉलेज स्टेशन से पहुँचोगे, ये आपको B7 बस नंबर है, ये सीधे स्टेशन से ही आपको यहाँ पे छोड़ देगी। इस बस स्टॉप का नाम है साउथ रोड या साउथ स्टेशन, 2 अलग अलग नाम है, और यहाँ पे आप उतर के यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं। ओके, और ये पूरा बिजनेस स्कूल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है वैसे तो। और जो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको ना, वो इनोवेशन सेंटर की है। अगर ये देखो इनोवेशन सेंटर, यहाँ पे सारे स्टार्टअप वगैरह होते हैं। यहाँ पे इस इनोवेशन सेंटर का ये है कि अगर आपके पास मन में कोई अच्छा स्टार्टअप का आइडिया है तो आपको ये स्पॉन्सर भी करते हैं, अपटू 3,000 pounds तक ये स्पॉन्सर करेंगे। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से टाइपशिप कराना होगा तो वो भी ये कराते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं।
सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। आप यहाँ से जाके फिर वहाँ से भी एक एंट्रेंस है, प्लस में अगर आप यहाँ से सीधा जाते हो जो कि बस वाला रूट है तो वहाँ पे बस स्टॉप आप देख सकते हो। तो मतलब दो एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की, यहाँ से और एक यहाँ से। अगर आप बाई कार भी आते हो तो यहाँ से जाके आगे जाके पार्किंग कर सकते हो, और अगर आप बाई कार आते हो तो वहाँ से स्ट्रेट आके आगे हाईवे है, मेन हाईवे, और ये यहाँ से भी जाके कार पार्किंग अवेलेबल है। सो होपफुली आपको कैंपस टूर अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।